प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रारंभ करते हैं आपके इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अगले अध्याय का। शुरुआत करते हैं धन निष्कासन के बारे में। अंग्रेजों द्वारा भारत का धन निष्कासन, जिसे अंग्रेजी में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। सबसे पहले धन निष्कासन का क्या अर्थ है, इसके बारे में विद्वानों ने कहा, भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने धन निष्कासन की संज्ञा दी। इस धन के निष्कासन को इंग्लैंड ने भारत से प्रत्यक्ष रूप में भेंट या अंशदान माना है। वास्तव में यह वह धन निष्कासन था ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन द्वारा और उसके कर्मचारियों द्वारा जो धन भारत से लिया गया और उसके बदले में भारत को कुछ दिया नहीं गया, उसे धन निष्कासन कहा गया। यह सबसे घातक स्थिति थी कि यहाँ का पैसा, यहाँ का धन, यहाँ का सोना चांदी अंग्रेज इंग्लैंड ले गए और बदले में भारत को कुछ भी नहीं दिया। इस प्रकार का धन जो भारत से बाहर जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसे धन निष्कासन कहा गया। यह कई तरह से निष्कासन किया गया। यह धातु मुद्रा के रूप में भी था, व्यापार के रूप में भी था, तरह तरह की चीज़ों के रूप में उसे किया गया। तो सीधी बात यही है कि ये हमारे यहाँ से जैसे भी मिला पैसा लिए गए और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं दिया, यह धन निष्कासन कहलाता है। अब धन निष्कासन की मात्रा की बात करें तो धन निष्कासन की मात्रा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनुमान लगाया है। स्वाभाविक है कि अंग्रेज धन निष्कासन जो कर रहे थे उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे भारतीय और विदेशी दोनों तरह के विद्वानों ने इसका अंदाज लगाया है। भारत से इस धन का कितना निकास हुआ, कितना बाहर गया, इस विषय में सबसे पहले 1859 ईस्वी में जॉर्ज विनगेट ने अनुमान लगाया और उन्होंने कहा कि 1835 से लेकर 1851 तक यह मात्रा 42,21,611 पाउंड प्रति वर्ष था। ध्यान रखें पाउंड, आज के दिन में अगर हम पाउंड देखें 100 रुपये से अधिक का एक पाउंड है। अब इसमें उस हिसाब से देख सकते हैं, या कुल मिलाकर उन्होंने दूसरा अंदाज लगाया, अगर सब मिला दिया जाए कि और इतना तो प्रत्यक्ष था, कुल मिलाकर उन्होंने कहा 7,17,67,387 पाउंड, इतना अधिक धन, जिसको अगर हम रुपए में बदलें तो बहुत अधिक हुआ। 1901 ईस्वी में विलियम डिग्वी ने अनुमान लगाया कि 1757 से 1815 के बीच यह कुल मिलाकर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच था।
लगभग 100 करोड़, आप सोच सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी अनुमान लगाए गए वे कुछ समय के अनुमान हैं, जैसे 1835 से 1851, यानी 16 वर्षों तक का ही अनुमान है ये। इधर 1757 से 1815 तक का अनुमान है। फिर 1948 में अमेरिकन विद्वान प्रोफेसर होल्डन फर्वर ने 1783 से 1793, यानी 10 वर्ष के बीच का अनुमान लगाया कि 19 लाख पाउंड प्रति वर्ष, 19 लाख पाउंड प्रति वर्ष। यहाँ यह ध्यान रहे कि इस समय कंपनी एक छोटे से क्षेत्र पर ही कार्य कर रही थी, पूरे देश पे नहीं थी उस समय। आगे चलकर दादा भाई नौरोजी ने इसका अनुमान लगाया और इन्होंने बताया कि अंग्रेजी राज्य के आरंभ से लेकर 1865-66 तक 150 करोड़ पाउंड, 150 करोड़ पाउंड इन्होंने अनुमान लगाया कि यह धन लेकर के अंग्रेज गए। और 1897 में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 1883 से 1892, 10 वर्ष में 35 करोड़ 90 लाख पाउंड अंग्रेज ले गए, 35 करोड़ 90 लाख, केवल 10 वर्षों में। 1901 ईस्वी में बाचा ने एक अनुमान लगाया कि 1860 से 1900 के बीच इस निकासी की वार्षिक औसत 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच दी थी। उसी साल आरसी दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रति वर्ष का अनुमान लगाया था, 2 करोड़ 20 लाख पाउंड। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इसका अनुमान लगाया। 1930 में इसे साम्राज्यवादियों ने भारत से 13 करोड़ और 14 करोड़ पाउंड के बीच केवल शुल्क के रूप में प्राप्त किए थे, ऐसा अनुमान लगाया, केवल शुल्क के रूप में 13 करोड़ से 14 करोड़। इस धन से प्रतिवर्ष भिलाई के आकार की 3 इस्पात कारखाने लग सकता था, जो कि इस साम्राज्यवादी युग के समस्त इस्पात के उत्पादन से कहीं अधिक होते हैं। ये बात कही है अपने इतिहासकार बीएल ग्रोवर, एसपाल ग्रोवर ने, और ये है इकोनॉमिक फ्रीडम वर्सेस इम्पीरियलिज्म, नई दिल्ली से छपा है। तो इतना अधिक पैसा धन भारत से लोग ले गए। अब बात आती है धन निष्कासन का स्वरूप क्या था, आखिर इतना पैसा ले कैसे गए, उनके ले जाने का तरीका क्या था। तो इसका भी तरीका कई तरह का था, जैसे बणिकवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास या निष्कासन उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के बाद सोने चांदी का निकास होता रहे, प्रतिकूल व्यापार जब हो जाता है,
और सोने चांदी जाने लगते हैं। पलासी के युद्ध से पहले जो शुरू के 50 वर्ष थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 करोड़ पाउंड मूल्य का सोना चांदी इसलिए भेजा कि वह भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दे सके। ये कब की बात कर रहे हैं? प्लासी के युद्ध और उसके 50 साल केवल। आप सोच सकते हैं उस समय करोड़ का क्या कीमत रही होगी, जब 1 रुपये में लगभग 1 परिवार पूरे महीने अच्छे से खाना खा सकता था। उस समय की स्थिति है। इंग्लैंड के जो बणिकवादी शास्त्री हैं वह खुद ही इसकी आलोचना किए और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए अंग्रेज सरकार ने भी ईस्ट इंडिया पर। 1720 में संसद में ऐसा कानून बनाया गया इंग्लैंड में जिसके अधीन इंग्लैंड में भारतीय रेशम और सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था। अब आप देखें 1720 में अगर कोई भारतीय रेशमी कपड़ा या सूती कपड़ा पहनता था इंग्लैंड में तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। कितना कठिन स्थिति थी। कंपनी लगातार अनेक रूपों से धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई वैसे धन भी वसूलना चालू किया ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके कई स्रोत थे, जैसे वह लाभ जो उत्पीड़ित कर भूमि कर प्रणाली से बचता था, बंगाल में जो स्थायी कर व्यवस्था बनाई गई और उसमें जो पैसा पाते थे वो ले जाते थे। दूसरा वह लाभ जो भारतीय मंडियों पर एकाधिकार नियंत्रण के बाद व्यापार से होता था। तीसरा बलपूर्वक धन की प्राप्ति जो अंग्रेज अफसर भारत में लेते थे ज़बरदस्ती। चौथा बड़े बड़े वेतन लेते थे। उस समय संसार में सबसे अधिक वेतन यहाँ से लेते थे। गवर्नर जनरल का वेतन 20,000 रुपया था। आप सोच सकते हैं उस ज़माने में 20,000 रुपये प्रति मास, यानी 240,000 रुपये पर ईयर। सैनिक पदाधिकारियों के वेतन समकालीन इंग्लैंड के पदाधिकारियों से भी कई गुना थे। यानी इंग्लैंड में भी उतना नहीं मिलता था जितना यहाँ से ले जाते थे, वो उतना वेतन अपने यहाँ नहीं पाते थे। यह सब धन अधिशेष धन पुनः कंपनी भारत में पूंजी के रूप में लगा देती और यहाँ से वस्तुएं खरीद के बाहर भेज देती। इस पूंजी से कुछ भी भारत को नहीं मिलता था, ये खुद अपने व्यापार करने लगते थे। यह व्यवस्था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से समाप्त की गई जब कंपनी के व्यापारियों और क्षेत्रीय राजस्व को अलग कर दिया गया था। आप सोच कितने लंबे समय तक भारत के धन की लूट चलती रही। द्वितीय विश्वयुद्ध तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन बना रहा है। आप सोच सकते हैं कितने लंबे समय तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन था। प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं जब हम आयात अधिक करते हैं निर्यात कम करते हैं, हमारा धन वस्तुओं के खरीद में अधिक लगता है और हम बेचते कम हैं। अंग्रेज अपने सामान बेचते थे, भारत में सुई भी नहीं बनाना चाहते थे। भारत जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब इंग्लैंड से आती थी। इस रूप में हमारा प्रतिकूल व्यापार ही चलता रहा और भारत घाटा ही खाता रहा। इस
निष्कासन का मुख्य पक्ष यह है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भी भाग भारत की जनता के उपयोग या पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं था। यह केवल राजनीतिक कारणों के लिए इंग्लैंड में भेजा जा रहा था और भारत को उसके प्रतिकार के रूप में कुछ भी नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। तब तक के लिए फिलहाल यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।